अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लो कार्ब नाश्ते के आइडियाज़ जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको एक प्रोग्राम के बारे में बताया था जो कि तीन फेजेस के ऊपर मुश्तमिल है, एक साइंटिस्ट ने बनाया है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर लेती हूँ, आप वो जाकर ज़रूर देखें जिससे आपको इस समझ लगेगी। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं एक PDF का लिंक भी ऐड कर रही हूँ जिसके अंदर सारी डिटेल्स हैं कि आपने फेज़ वन में क्या चीज़ें खानी हैं, क्या चीज़ें नहीं खानी हैं और कितनी खानी है और सारे सोर्स ऑफ प्रोटीन, फैट्स और फाइबर्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं। सो अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो उसके अंदर आपको पता होगा कि फेज वन में आपने ग्रेन्स नहीं खाने हैं, कुछ फ्रूट्स नहीं खाने हैं और फ्रूट्स में जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं वो आपने नहीं खाने हैं। और मैं आपको जल्दी से बता दूं कि ट्रॉपिकल फ्रूट्स में क्या आता है। ट्रॉपिकल फ्रूट्स में केला आ जाता है, तरबूज और खरबूजे, और इसके अलावा खजूरें, मैंगो नहीं खाना है आपने, पपीता नहीं खाना है, पाइनएप्पल नहीं खाना है, किसी भी किस्म का ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने हैं और किसी भी कैन फ्रूट्स या बेरीज का इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए कि उसके अंदर एडिड शुगर होती है। और आपने किसी भी किस्म के फ्रूट जूसेस नहीं पीने हैं। और इसके अलावा फेज वन में आपने स्टार्ची वेजिटेबल्स नहीं खाने हैं। और ये सारी डिटेल्स आपको PDF के लिंक में मिल जाएंगी। सो आज की वीडियो एक्चुअली नाश्ते के बारे में है जो फेज वन में आप खा सकते हैं। इसको एक्चुअली फेज टू और फेज थ्री में भी खा सकते हैं क्योंकि ये हाई फैट है, प्रोटीन और कार्ब्स इसके अंदर बैलेंस्ड हैं। तो मैं आपको इसके अंदर आइडियाज दूंगी और आपको डिटेल्स बताऊंगी कि आपने बैलेंस मील कैसे प्रिपेयर करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले ब्रेकफास्ट की तरफ आते हैं। पहला जो नाश्ता है उसके अंदर दो अंडे लिए हैं, बॉयल किए हुए हैं। बॉयल अंडों को थोड़ा सा फैंसी कर दिया, उसके ऊपर थोड़ा सा सिराचे सॉस डाली है और थोड़े से सेसमी सीड्स और लाल मिर्चों के फ्लेक्स डाले हैं। अगर आप दो अंडे खा रहे हैं तो इसके अंदर आपके लिए प्रोटीन आ गई है और इसके अंदर फैट्स आ गए हैं। लेकिन अगर आपका पेट इससे नहीं भरता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप आधा कप दही ले लें, एक बाउल लें, तकरीबन आपको पता हो कि वो एक कप के जितना हो, एक कप ले लें, कप के अंदर भी आप खा सकते हैं, ठीक है। आधा कप दही लेनी है अगर आप दो अंडे खा रहे हैं, ठीक है। इसको ज़रा साइड पे कर लेते हैं। सो इसको आधा कप दही फुल फैट की होगी से, सो ये फुल फैट है, फुल फैट योगर्ट लेनी है। नॉर्मली मैंने मैयर किया हुआ है, अगर चार भर कर चम्मच डाले तो तकरीबन वो आधा कप योगर्ट बन जाती है। सो ये ऑलमोस्ट आधा कप हो गया, ठीक है। अब ऐसे योगर्ट अगर आप खा सकते हैं तो खा लें, थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन इसको थोड़ा सा फैंसी और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसे कि फेज वन में डेली रिकमेंडेशन है कि आप दो से तीन फ्रूट्स एक दिन में खा सकते हैं। तो ये अंगूर हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो वाले फ्रूट्स का इस्तेमाल करूँ जो आजकल सीज़न में मौजूद हैं और तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं। सो अंगूर मेरे ख्याल से वो ऐसी चीज़ है जो हर जगह पाए जाती हैं। सो एक छोटा सा बाउल लेना, पता होना चाहिए कि एक जो सर्विंग है वो ऑलमोस्ट इतनी बड़ी होनी चाहिए। अब ये सारे अंगूर आप डाल सकते हैं या दो फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि एक पीच लेना। अब इन दोनों में से आप, अगर आपने दही नहीं लेनी है, ये दोनों चीज़ें ले लें, लेकिन फ्रूट्स में कार्ब्स की मिकदार ज़्यादा होती है, सो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बस ये एक ऑप्शन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप इनको दोनों को आधा आधा करें, जैसे कि अभी मैं आपके सामने आपको बना के देख लीजिए। आधे आप अंगूर डालें इसके अंदर, आधा कप योगर्ट के अंदर, ठीक है, और आधी ही आप इसको क्या कहते हैं, पीच, आधी आप पीच आप डाल सकते हैं, ठीक है। और साथ आप थोड़े से नट्स ले सकते हैं, ये कौन से हैं, अगर आपने बादाम लेने हैं आप तीन चार बादाम ले लें। सो ये आपका एक नाश्ता हो गया, पहला नाश्ता। आपका क्लोज अप दिखा देती हूँ। सो
तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ, दो अंडे, इसमें प्रोटीन और फैट्स हैं, इसमें बिल्कुल कार्ब्स नहीं होते हैं, और फिर योगर्ट, फुल फैट योगर्ट लेनी है आधा कप, उसके अंदर प्रोटीन और फैट्स हैं, और आपके फाइबर्स और आपके कार्ब्स फ्रूट्स में से आ गए। ये वन पोर्शन ऑफ फ्रूट है, आपने एक पूरा फ्रूट डालना है, आप पूरा फ्रूट डाल लें या दो आधे आधे फ्रूट्स डालने हैं वैरायटी के लिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो ये पहला ब्रेकफास्ट हो गया। ओके, अगले नाश्ते की तरफ आते हैं। इसके अंदर भी अंडा है और नॉर्मल ऑमलेट जैसा बनाते हैं वैसे ही बनाना है, और साथ आप चीज़ डाल सकते हैं। सो ये सारी सब्जियां हैं जो मैंने काटी हुई हैं, टमाटर हैं, शिमला की मिर्चियाँ हैं मुख्तलिफ कलर्स में, और हरी मिर्चें हैं, ऑलिव्स हैं, और प्याज है, दो अंडे हैं, चीज़ है। सो नॉर्मल स्टेप, जो पहले स्टेप में अंडे को बीच करना है, मैं सिंपल काली मिर्च और नमक डालूंगी, आपको जो स्पाइसेस अच्छे लगते हैं आप वो डाल सकते हैं। सर रूटीन के मुताबिक पैन में आपने बटर डालना है या कोई भी अनप्रोसेस फैट डालनी है, कोकोनट बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल, और जब वो गर्म हो जाए तो फिर आपने अंडा उड़ेलना है उसके अंदर। और नॉर्मली मैं ऐसे ऑमलेट बनाती हूँ, मैं पहले अंडा डालती हूँ, उसके ऊपर एक चीज़ की लेयर डालती हूँ, और उसके ऊपर अपनी सब्जियाँ डालती हूँ, और उसको मैं हल्की आंच पे ढांप कर छोड़ देती हूँ। जब तक ये अंडा बन रहा है उतनी देर में स्मूदी रेडी कर लेते हैं, कि अगर आपको एक्स्ट्रा भूख है या आप इसको एज अ स्नैक इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर दूध लिया है और सेब और आड़ू लिए हैं आधे आधे, और थोड़े से बादाम। सो सारी चीज़ें ब्लेंडर में डालकर आपने ब्लेंड इन कर लेनी है, तो आपकी स्मूदी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। हाँ, मैं इसमें सिनेमन डालना भूल गई थी, लेकिन मैंने ऊपर स्प्रिंकल कर लिया क्योंकि सेब, बादाम और सिनेमन का कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है। आप ज़रूर ट्राई करके देखें इसको। और तकरीबन 10 मिनट के बाद ऑमलेट बिल्कुल तैयार है, और आप इसको थोड़ा सा हिला के देखें, अगर ये वॉबली वॉबली नहीं है तो इसका मतलब अंडा तैयार है, और इसको थोड़ा सा हिलाएं और फिर प्लेट के अंदर आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। और फिर मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूँ कि आपको प्रोटीन और फैट्स मिलेंगे अंडे और चीज से, और फाइबर्स आपको मिलेंगे सब्जियों से, तो एक बैलेंस्ड मील बन गया। और अगर आपको एक्स्ट्रा भूख लगी है तो आप इसके साथ स्मूदी ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है वो भी बैलेंस्ड है, उसके अंदर आपको प्रोटीन और फैट्स मिलेंगे दूध से और बादाम से, और फाइबर्स आपको मिलेंगे फ्रूट से। ये जो तीसरा नाश्ता है ये भी बहुत सिंपल है, इसको हाई प्रोटीन हाई फैट मील रिप्लेसमेंट स्मूदी भी कह सकते हैं। अगर आपको जल्दी आपने काम पर जाना है या स्कूल जाना है तो ये परफेक्ट ऑप्शन है, आप एक दिन पहले भी बना सकते हैं। इसमें भी सारा कुछ बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड प्रोटीन फाइबर्स फैट्स। मिल्क लेना है, आलमंड मिल्क है, आप कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने फ्रोजन रॉसबेरीज लिए हैं, लेकिन अगर आपके पास बेरीज नहीं, या बहुत सारे लोगों के पास बेरीज नहीं होते हैं, तो आप स्ट्रॉबेरीज यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप एक पूरा सेब इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेब लिया है, आप नाशपाती ले सकते हैं। अब ये आधा सेब है तो आप आधे की बजाय पूरा इस्तेमाल कर लें, ताकि एक पूरा फ्रूट हो जाए, पूरा फाइबर हो जाए। उसके बाद आपने थोड़ा सा बादाम लेने हैं, तकरीबन 8-10 बादाम ले लेने हैं, या इसके बजाय अगर आपके पास ऑलमंड बटर है या पीनट बटर है, एक खाने का चम्मच वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो सारों के पास मौजूद नहीं होता है, या नॉर्मली जैसे पीनट बटर मिलता है बाज़ार से, उसके अंदर चीनी भी ऐड की हुई होती है और ट्रांस फैट्स होते हैं जो कि अच्छे नहीं हैं। और फिर मैंने तकरीबन आधा कप योगर्ट लिया, फुल फैट, और सिनेमन है, ये मसल्स और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है, और ये स्मूदी का टेस्ट भी बहुत मज़े का कर देता है। और फिर प्रोटीन पाउडर है,
ये मैं जो इस्तेमाल करती हूँ वो हैंड पेस्ट है, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा सूट करता है, और आपको जो सूट करता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी और हम स्टार्ट करते हैं। सारा कुछ आपने ब्लेंड इन करना है। सबसे पहले लिक्विड चीज़ अंदर डालनी, ओके। मैं आपको एक्सप्लेन करती रहती हूँ। पहले पॉइंट में दूध डाला है और दही डाली है, दोनों में प्रोटीन और फैट्स होते हैं। उसके बाद बादाम डाले हैं या पीनट बटर डाल सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया है, उसमें भी प्रोटीन और फैट्स ज़्यादा होते हैं। उसके बाद फाइबर्स की तरफ आते हैं, आपने सेब ले लेना है या नाशपाती ले लेनी है या आपने पीच ले लेना है, जो भी फ्रूट एक अवेलेबल है। और आपको पता है कि फेज़ वन में कौन से फ्रूट्स आप नहीं खा सकते हैं, वो मैं आपको लिस्ट में दिखा दिया। और फिर उसके बाद कोई भी बेरीज, वो भी आधा कप, और फिर प्रोटीन पाउडर जो कि प्रोटीन आ गया, और फिर थोड़ा सा सिनेमन, तकरीबन बहुत थोड़ा सा। अब इसको ब्लेंड कर लेना है।